हे गाइस, वेलकम टू बर्निंग व्हील्स। माय नेम इज साकेत। तो आज की तारीख में सबको अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए, सबको एक बड़ी गाड़ी चाहिए एंड एवरीवन वांट्स टू बाय देयर ड्रीम कार। तो बहुत सारे इंडियंस की जो ड्रीम कार होती है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी सिमिलर होते हैं। उनको एक बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, एक रोड प्रेजेंस देने वाली गाड़ी चाहिए होती है, थोड़ी सा लुक्स चाहिए होते हैं। तो जो मेजर जो कैटेगरी है जो इंडियंस की, वो प्रेफर करती है SUVs को बाय करना। आज की तारीख में अगर आप SUVs लेने जाओगे तो मार्केट में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी जो कि एक SUV टैग के साथ आती है, जो टाटा नेक्सॉन है और XUV300 है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी लेना चाहते हो तो फिर आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको टाटा नेक्सॉन या XUV300 अभी इस वक्त नहीं लेनी चाहिए। सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो है इनके जो फेसलिफ्ट है वो आने वाले हैं जल्द ही मार्केट में। टाटा नेक्सॉन का जो फेसलिफ्ट है वो एक्सपेक्टेड है अगस्त में एंड जो XUV300 है उसका जो फेसलिफ्ट है वो आपको एंड ऑफ द ईयर या फिर जो न्यू ईयर है 2024 उसमें एक्सपेक्टेड होगा। XUV300 तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, मतलब उसमें ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं आए इंटीरियर वाइज, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगती है वो। टाटा नेक्सॉन फिर भी ठीक लगती है, बट उसमें भी एक मेजर फेसलिफ्ट आने वाला है, मेजर अपग्रेड आने वाला है। तो गाइस अब जानते हैं कि वो सारे फीचर्स जो कि इन फेसलिफ्ट वर्जन्स में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं टाटा नेक्सॉन से। तो गाइस टाटा नेक्सॉन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है वो इसका जो पेट्रोल इंजन है वो चेंज होने वाला है, मतलब इसमें आपको पावर और टॉर्क फिगर्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। टाटा इसको रीट्यून करने वाली है एंड जो नया इंजन है वो आपको प्रोड्यूस करने वाला है 125 हॉर्स पावर एंड 225 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि एक बहुत ही अच्छा यूनिट होने वाला है। तो जो करंट जो टाटा का इंजन है वो प्रोड्यूस करता है बस 120 हॉर्स पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है टाटा नेक्सॉन पेट्रोल में। बट अगर आप डीजल में लेना चाहते हो तो डीजल में आपको सेम ही इंजन ऑप्शन मिलने वाला है एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। इसके जो इंटीरियर है वो पूरा चेंज होने वाला है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी डिजिटल होने वाला है, जो इसकी टच स्क्रीन है वो भी अपग्रेड होने वाली है, 10.25 इंच की टच स्क्रीन इसमें आने वाली है। स्टीयरिंग है वो भी चेंज होने वाला है, स्टीयरिंग आपको 2-स्पोक मिलने वाला है और जो इंटीरियर क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। और एक चेंज जो मेजरली इसके ऑटोमेटिक वर्जन में आने वाला है वो है कि जो AMT है वो मोस्टली आपको नहीं मिलने वाला, आपको एक DCA गियरबॉक्स मिलने वाला है। जो भी आप टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की प्राइस है वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि राइज होगी अराउंड 1 लाख से, तो मिनिमम राइज होने ही वाला है प्राइस में। तो गाइस आप आते हैं महिंद्रा XUV300 की तरफ। तो गाइस XUV300 आपको 2024 के अराउंड लॉन्च होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंजन मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम ही मिलने वाला है। तो गाइस XUV300 को भी बहुत ज़्यादा बार स्पॉट किया गया है टेस्टिंग में एंड जो पिक्चर्स हमारे पास आई है वो एक्सटीरियर की आई है एंड एक्सटीरियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नोटिस हो रहे हैं हमें। एंड जो फ्रंट ग्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, आपको एक बड़ा ग्रिल मिलने वाला है। एंड XUV300 का जो टेल गेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है, आपको जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो भी इसमें आपको चेंज मिलने वाला है। XUV300 की जो LED लाइट्स है वो भी काफ़ी चेंज होने वाली है। जो DRLs है वो आपको सी टाइप मिल सकते हैं XUV700 की तरह। XUV300 का जो डिज़ाइन है वो आपको XUV700 से इंस्पायर्ड होता हुआ दिख सकता है। गेयरबॉक्स में आपको एक शिफ्ट मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि महिंद्रा आपको टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन दे एंड AMT को डिसकंटिन्यू कर दे। तो गाइस 2023 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारी कार्स का फेसलिफ्ट आने वाला है। टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट, फिर महिंद्रा XUV300 का फेसलिफ्ट एंड ऑल्सो आपको किया सोनेट का भी फेसलिफ्ट इसमें मिल सकता है। तो गाइस अगर आप चाहते थे कि 2023 में आपकी एक नई गाड़ी हो, एक नई कॉम्पैक्ट SUV आपको लेनी थी, तो प्लीज़ आप थोड़ा रुक जाइए। 2023 के एंड में आपको टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको XUV300 का भी फेसलिफ्ट मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप इस टाइम पे इन दो गाड़ियों में से कोई ले लेते हो तो आप बिल्कुल रिग्रेट करने वाले हो अपने डिसीजन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर अपग्रेड्स एंड लुक वाइज अपग्रेड्स आपको मिलने वाले हैं इनके फेसलिफ्ट वर्जन में। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।